इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 में जो है हम संख्याओं की विभाज्यता के बारे में जो है 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता और 8 से विभाज्यता, 9, 10 और 11 से विभाज्यता के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे कि संख्या दी हुई है 128। अब संख्या 128 जो है 2 से विभाजित है या नहीं, इसका हम पता कैसे करेंगे। तो हमने विभाज्यता के नियमों के आधार पर हमने पढ़ा था और पाठ सारांश में भी मैंने बताया था कि 2 की विभाज्यता का नियम हमें यह कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक जो है 8 हो तो वह संख्या 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। अर्थात संख्या 128 में 8 जो है 2 से विभाजित है, ये जो है संख्या 2 से विभाज्य है। आगे 3 की विभाज्यता का नियम, 3 की विभाज्यता के नियमों के बारे में हमने पढ़ा था यदि कोई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। संख्या 128, 128 में 1 + 2 + 8 बराबर हो गए 11 जो कि 3 से विभाजित नहीं है, यानी 11 जो संख्या है वो 3 से विभाजित नहीं है। अर्थात ये संख्या भी पूर्णतः 128 3 से विभाजित नहीं है। अगला विभाज्यता का नियम 4 से हम ध्यान करेंगे। तो 4 से विभाज्यता का नियम हमें ये बताता है कि यदि किसी संख्या के इकाई और दाई अंकों से बनी हुई संख्या यदि 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। इस 128 में हम देखते हैं इकाई और दाई से बनी हुई संख्या 28 है जो कि 4 से पूर्णतया विभाजित है, अर्थात ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अगला जो है हम 5 से विभाज्यता के नियमों के बारे में पता करेंगे। तो 5 से विभाज्यता का नियम हमें ये बताता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक जो है यदि 0 है या फिर 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ये जो संख्या दी हुई 128 इसमें इकाई का अंक 8 है तो ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अगला नियम है 6 से विभाज्यता का नियम। अब 6 से विभाज्यता का नियम हम देखते हैं कि 6 से विभाज्यता कोई भी संख्या 6 से विभाजित कब होगी, यदि उसमें 2 और 3 से जो है संख्या पूर्णतः विभाजित होगी तो ही 6 से विभाजित होगी। इसमें हम देखते हैं कि यह संख्या 128 2 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से ये विभाज्य नहीं है, अर्थात ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं है। अगली संख्या है 8। 8 जो है इसमें बताई गई है कि संख्या 128 है जो कि हम देखते हैं कि इसमें इकाई जो है इकाई दाई और सैकड़े से बनी हुई संख्या यदि 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी, तो इसमें जो है आपको हाँ लिखना है। अगला है 9 से विभाज्यता। अब 9 से विभाज्यता का नियम हमें ये बताता है कि यदि कोई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। इसमें हम देखते हैं संख्या 128 में तो इसमें तीनों अंकों का जो योग है वो 11 हो रहा है, तो ये 11 जो है 9 से गुणज नहीं है, अर्थात इसमें 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो ये संख्या 128 9 से विभाजित नहीं है। अगला नियम है 10 से विभाज्यता का नियम। इसमें हम देखते हैं कि 10 से विभाज्यता का नियम हमें बताता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 है तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसमें हम देखते हैं कि संख्या 128 जो है 0 से विभाग 128 जो है 10 से विभाजित नहीं है, अर्थात ये संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अगला हम देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम हमें बताता है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग करते हैं यदि वो अंकों का अंत योग का अंतर जो है 0 है या 11 से गुणज है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। इसमें हम देखते हैं कि इनके जो है अंकों का योग इकाई और दाई और सैकड़ा यानी सम स्थान के जो अंक है 2 है, विषम स्थान के अंकों का योग 9 है तो इनका अंतर करते हैं तो 9 - 2 = 7 होते हैं, अर्थात ये जो है 11 से विभाजित
नहीं होगी। अगली संख्या है 990। इसमें हम देखते हैं कि इकाई का अंक शून्य है, इसीलिए संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित के लिए इस संख्या के अंकों का योग करते हैं, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 0, तो बराबर 18 हो गए, जो कि 3 का एक गुणज है, तो ये संख्या जो है 3 से विभाजित है। 4 से विभाजिता का नियम भी बताता है कि इकाई और दाई से बनी हुई संख्या यदि जो है 4 से विभाजित होगी तो वह संख्या संपूर्ण जो है 4 से विभाज्य होगी। इसमें हम देखते हैं इकाई और दाई से बनी हुई संख्या 90 है, जो कि 4 से विभाजित नहीं है। अगला हम पढ़ते हैं 5 की विभाज्यता का नियम। 5 की विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा था कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ये संख्या 990 है, इसमें इकाई का अंक शून्य है, अर्थात ये जो है 5 से पूर्णतः विभाजित है। अगला है 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम हमें बताता है कि संख्या जो है 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि ये दोनों संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, अर्थात ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अगली संख्या है 8। 8 से विभाज्यता का नियम, तो ये जो प्रश्न है 990, इसमें हमें बताया गया है कि इसमें इकाई दाई और सैकड़े से बनी हुई संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, तो ये संख्या जो है 8 से विभाज्य नहीं होगी। अगला जो बताया गया है 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम हमें बताता है कि इनके अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या पूर्णतया 9 से विभाज्य होगी। अंकों का योग 9 प्लस 9 बराबर 18 हो रहे हैं, तो ये 9 से विभाजित है या 9 का गुणज है, तो ये संख्या 990 9 से पूर्णतया विभाजित होगी, इसलिए यहाँ पर हाँ लिखना है। अगला है 10 से विभाज्यता का नियम। इसमें इकाई का अंक 0 है तो ये संख्या जो है पूर्णतया 10 से विभाजित होगी, तो इसमें आपको हाँ लिखना है। अगला है 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम हमें बताता है कि सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों का योग यदि 0 है या 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी, तो इसमें जो है सम स्थान जो है 0 और 9 है, तो 0 प्लस 9 बराबर 9, और विषम स्थान के अंक जो है वो भी 9 ही हो रहे हैं, तो 9 माइनस 9 बराबर 0, तो ये संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी, तो इसके आगे आपको हाँ लिखना है। अगली संख्या 1586। इसमें इकाई का अंक 6 है, अर्थात ये संख्या 2 से भाज्य है। फिर 3 से विभाजित हम देखते हैं कि इनके अंकों का योग करते हैं तो 20 हो रहे हैं, 1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 6 तो 20 हो रहे हैं, तो ये संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित नहीं होगी। अगला 4 से विभाज्यता का नियम। तो इसमें हम देखते हैं कि इकाई और दाई से बनी हुई संख्या 86 है, जो कि 4 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या पूर्णतया 4 से विभाज्य नहीं होगी, तो इसमें हम नहीं लिखेंगे। अगला है 5 से विभाज्यता का नियम। तो इसमें भी जो है इकाई का अंक 6 है, तो ये संख्या भी 5 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। अगला है 6 से विभाज्यता। तो हम 6 से विभाज्यता का हम देखते हैं कि 2 और 3 दोनों से पूर्णतया विभाजित होगी यदि कोई संख्या, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। इसमें हम देखते हैं कि 1586 2 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं है, तो इसमें यह संख्या 6 से भी पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। अगला है 8 की विभाज्यता का नियम। 8 की विभाज्यता का नियम हमें यह बताता है कि इकाई दाई और सैकड़े से बनी हुई संख्या यदि 8 से विभाजित है तो वह संख्या पूर्णतया 8 से विभाज्य होगी, तो यह संख्या जो है 586 3 अंकों से बनी हुई संख्या 586 है, जो कि 8 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, अर्थात ये संपूर्ण संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, इसलिए आपको नहीं लिखना है। 9 अगला है 9 से विभाज्यता का नियम। इसमें हम देखते हैं कि सम स्थान और विषम स्थान के जो अंक है उनका योग, विषम स्थान का अंकों का योग 7 हो रहा है और सम स्थान के अंकों का भी नहीं, विषम स्थान के अंकों का योग 6 प्लस 5 11 हो रहे हैं और सम स्थान अंकों का योग 8 प्लस 1 यानी 9 ही हो रहे हैं, तो 11 माइनस 9 बराबर 2 का अंतर हो रहा है, जो कि 11 से पूर्णतया विभाजित नहीं है या
इनके अंकों का अंतर जो है जीरो नहीं है, इसीलिए संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित नहीं होगी। संख्या 275, इसमें भी इकाई का अंक 5 है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए आपको इसमें नहीं लिखना है। 3 से विभाज्य है, अंकों का योग करते हैं तो 14 हो रहे हैं, तो ये 3 से भी विभाज्य नहीं है। 4 से विभाज्य है, इसमें हम देखते हैं कि संख्या इकाई और दाई से बनी संख्या 75 है, जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए हमें यहाँ नहीं लिखना है। आगे 5 से विभाज्यता का नियम, इकाई का अंक 5 है, इसीलिए संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित है, तो हाँ लिखना है। 6 से विभाज्यता, इसमें हम देखते हैं कि इकाई का अंक 5 है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं है, और अंकों का योग जो है वो भी जो है 14 हो रहे हैं, इसलिए 3 से भी विभाजित नहीं है, अर्थात ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। अगला है 8 की विभाज्यता का नियम। 8 की विभाज्यता का नियम, इकाई और दाई से बनी हुई जो संख्या है वो भी जो है पूर्णतया 8 से विभाजित नहीं है, इसीलिए संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, तो हमें यहाँ नहीं लिखना है। अगला है 9 की विभाज्यता का नियम। 9 की विभाज्यता का नियम ये हमें ये बताता है कि इनके अंकों का योग यदि 9 संख्या 9 हो रही है या 9 का गुणज है तो वह संख्या 9 से विभाज्य है। इसमें हम देखते हैं कि अंकों का योग 14 हो रहा है जो कि 9 का गुणज नहीं है, तो ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, तो आपको इसमें नहीं लिख भरना है। अगला है 10 से विभाज्यता का नियम। तो इसमें इकाई का अंक शून्य नहीं है 275 में, तो ये भी 10 से विभाजित नहीं होगा। 11 से विभाज्यता के नियम हम देखते हैं कि सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों का योग साथ साथ हो रहा है। सम स्थान के अंक 7 है और विषम स्थान के अंकों का योग भी 7 हो रहा है, 5+2, इनका अंतर जो है बराबर 0 हो रहा है, इसीलिए ये संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। इस प्रकार से अन्य आगे की जो संख्याएं हैं वो भी आप जो है विभाजित है या नहीं है, इस नियमों के आधार पर, बाध्यता के नियमों के आधार पर इन संख्याओं का पता करके आप स्वयं जो है सभी में जो है हाँ या नहीं आप स्वयं को भरना है। धन्यवाद।